नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वर्तमान सरकार के तानाशाही रवैये से देश में एक तीसरे मोर्चे की गठन की आवाज बुलंद होने लगी। इस आवाज को बुलंद की कुछ सालों पहले गठित हुई पार्टी राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस ने। राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के महासचिव अनिल चौहान, इनके उपाध्यक्ष जमीर अहमद शेख, प्रवक्ता, इन सभी ने लोगों को एकजुट करने के लिए काफी प्रयास किए और इसी प्रयास को सफलता मिलते हुए हाल ही में नागपुर में पार्टी का एक अधिवेशन संपन्न हुआ। 29 जनवरी को जॉर्ज फर्नांडिस, पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत, उनकी चौथी पुण्यतिथि पर इन सभी नेताओं ने, जिनके मैंने नाम भी लिए, इन्होंने भरसक प्रयास करते हुए देश के अलग अलग समाजवादी विचारधारा से जुड़ी पार्टियों के नेताओं को नागपुर में आमंत्रित किया और एक कार्यक्रम पहले दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस की को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया गया, जिसके बाद एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। उस सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से समाजवादी जन मोर्चे के गठन का ऐलान हुआ। करीब करीब देश भर की 10 से अधिक पार्टियों के नेता इस समाजवादी जन मोर्चा में शामिल हुए और सर्वसम्मति से दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी रहे बनारस के शिव कुमार सिंह को इस मोर्चे का संयोजक चुना। साथ ही साथ शिव कुमार सिंह ही राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के भी अध्यक्ष भी चुने गए। थोड़े समय पहले मैंने खबर लगाई थी, आपको मालूम है कि राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के पिछली कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था और ये अधिवेशन के बाद में नई कार्यकारिणी का ऐलान किया जाना था, तो उसी कड़ी में 29 जनवरी को अधिवेशन में शिव कुमार सिंह को नए अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है और अब पार्टी आने वाले कुछ दिनों में अभी अपने सभी राज्य प्रभारी, राज्य अध्यक्ष, इन सबकी नियुक्ति करेगी, उसका ऐलान जल्द ही पार्टी करेगी। राज्य लेवल पर नहीं, जिले लेवल पर भी जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति पार्टी द्वारा बहुत ही जल्द कर दी जाएगी। आपको बता दें कि समाजवादी जन मोर्चा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस मोर्चे के गठन की नौबत क्यों आई, मैंने बताया कि हालिया जो सरकार है, जिस तरह से दमनकारी यह सरकार है, उसके खिलाफ यह जन मोर्चा उठाए। इस जन मोर्चे में शामिल होने 29 जनवरी को नागपुर में बिहार के पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा, बिहार के पूर्व मंत्री दिनेश कुशवाहा, पूर्व सांसद पद्मश्री विकास महात्मे, वरिष्ठ नेता रमन पेगवार, जयप्रकाश, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतवीर सिंह राजावत, समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह पटेल, राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पीपल फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मोहन, गांधी विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुधीर मंडल, चंद्रशेखर जी समर्थक सादात अनवर, राष्ट्रीय समाजवादी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक दास, समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप गोपाल कृष्णन, बिलासपुर से नागेश्वर मिश्रा, इन जिन सभी का मैंने नाम लिया, ये अलग अलग प्रांत, कोई भोपाल तो कोई दिल्ली तो कोई फर्रुखाबाद, वहां से सभी शामिल हुए और इन्होंने एक मत होकर इस नए मोर्चे का ऐलान किया। आने वाले समय में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ
यह मोर्चा तत्परता से देश में एक नया आंदोलन खड़ा करने वाला है। यह तस्वीरें और वीडियो तस्वीरें जो देख रहे हैं ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जहां कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा मैंने अभी पहले बताया दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस जी को श्रद्धांजलि दी गई। बाद में काफी लंबा मंथन किया गया और मंथन के बाद शिव कुमार सिंह जी को राष्ट्रीय मजदूर पार्टी का अध्यक्ष एवं इस नए मोर्चे का संयोजक नियुक्त किया गया। आने वाले समय में एक कारवा काफी बड़ा होने का उम्मीद ही नहीं यकीन है विश्वास है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।